हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीसीए के सिलेबस को। जी हाँ, तो जो बीसीए का सिलेबस है वो आता है आपके आईपीएस से, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से, जो कि आपके सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करवाता है। तो आइए देखते हैं बीसीए का सिलेबस और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। डॉट नेट विद सी शार्प बहुत ही मस्त चीज़ है, आपको सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार। फिर आपका एम्बेडेड सिस्टम है, एम्बेडेड सिस्टम अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स से मज़ा आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में, तो आपको एम्बेडेड सिस्टम अच्छा लगेगा पढ़ने में। कंप्यूटर ग्राफिक्स है, तो कंप्यूटर में जो माउस के पॉइंटर कैसे बनेंगे, कैसे विंडोज़ बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको सी प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स में बताया गया। सिक्योर कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटर में मतलब एक तरह से कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक बोल सकते हैं इसको, सिक्योर कंप्यूटिंग को। एडवांस डीबीएमएस है, तो डीबीएमएस का जो क्वेरीज वगैरह हैं उसके बारे में ये यहाँ पर है। और फिर आपका मिनी प्रोजेक्ट है, तो कुछ हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह डिज़ाइन करेंगे बीसीए के सिलेबस में, हर में मिनी प्रोजेक्ट होता ही है। इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग क्या है आपका? इमेज प्रोसेसिंग जो है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि किसी इमेज को ब्लर कैसे करें, ग्रे स्केल क्या होता है, डार्क स्केल क्या होता है, इन्वर्टेड इमेजेस क्या होती हैं, और जो आप देखते हो आजकल आपके हेलमेट से ना होने पे चलान वगैरह, ये सब इमेज प्रोसेसिंग की मदद से आपकी इमेज को मेंशन किया जाता है। फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन डीप लर्निंग के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग में हैं। फिर मल्टीमीडिया सिस्टम है, इससे तो आप परिचित हो ही। फिर आपका मेन प्रोजेक्ट है जो कि आपको अच्छे मार्क्स गेन करवाता है, और मेन प्रोजेक्ट आप तभी बना सकते हैं जब आप ऊपर के सिलेबस को अच्छे से कवर अप किए रहेंगे। आइए सिलेबस, फेवरेट टॉपिक मेरा सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, जीयूआई पे काम कर रहे हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, क्रोमियम यूज़ कर रहे हो, ओपरा मिनी यूज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, सब कुछ सी शार्प से बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। तो आप देखोगे आपका जो कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल है, जो जीयूआई दिखता है, वो सब सी शार्प पे बने, तो बहुत ही अच्छा है, आपको सीखना चाहिए और ये मज़ेदार टॉपिक है। अगला है आपका, आपका एम्बेडेड सिस्टम है यार, ये भी थोड़ा सा टफ है टॉपिक, और लेकिन माइक्रो कंट्रोलर वगैरह की सारी थ्योरी को यहाँ पर, चिप को, आईसी कैसे काम करता है और कुछ इन सब चीज़ों को यहाँ पर कवर अप किया गया है। प्रोग्रामिंग भी है, जीएनयू डेवलपमेंट भी है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, मतलब अच्छा सिलेबस है ओवरऑल आप कह सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स है, इसमें लाइन ड्रॉ करना, माउस के पॉइंटर को डिज़ाइन करना, जो विंडो होता है उस विंडो को डिज़ाइन करना, एलईडी बनाना, एलईडी पर जो है कोई भी डिस्प्ले करना, डिस्प्ले किसी भी, अगर आपके पास जो है कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसमें कैसे किसी लाइन को, किसी सर्कल को, किसी रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग, तो आप इसको देखेंगे, आपके लिए अच्छा टॉपिक है, आप सीख सकते हैं इसको भी। देखो, जो बीसीए वगैरह का सिलेबस है ये अधिकतर प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन कहीं कहीं से थ्योरी भी आपको दिखता है तो यार दिमाग ख़राब होता है, लेकिन थ्योरी बहुत ही आवश्यक है, आपको सीखना चाहिए, इससे बच नहीं सकते आप। अब देखो यार, कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें तो इनमें आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, पब्लिक की, प्राइवेट की, प्रोटेक्टेड की, चिपर्स क्या है, वेब बेस्ड वॉलेंट्रीज क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे अपने कंप्यूटर को सिक्योर करें, मैकेनिज्म क्या है, ओनियन मॉडल क्या है, डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर कवर अप किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी एंड नेटवर्क के बारे में, इल्यूजन्स क्या है, फाइल प्रोटेक्शन क्या है मैकेनिज्म, और सारी फाइल डायरेक्टरी के बारे में यहाँ बताया गया कि फाइल क्या है, डायरेक्टरी क्या है, आपकी डायरेक्टरी को कैसे मैनेज करें, कैसे मैनिपुलेट करें, उसके साथ हैंडलिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की गई हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये जो है आपका एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका क्लस्टरिंग क्या है, मतलब ये पूरी तरह से डेटा वेयर हाउस की तरफ आपको इंडिकेट करता है, डेटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है, और बहुत सारे चीज़ें इसमें कवर अप की गई, पूरी तरह से एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका रियल लाइफ में क्या इश्यू है, इन सबको कवर अप किया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग,
और अगला जो है आपका है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में आपका 2D लीनियर सिस्टम क्या है, ल्यूमिनिकेस्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ब्राइटनेस क्या है, कलर क्या है, विजिबिलिटी क्या है, आपका डार्क स्केल, डार्क इमेज क्या होता है, ग्रे स्केल क्या है, लीनियर इमेज क्या होता है, कैसे इमेज को सर्च करें, मतलब इमेज में से किसी डेटा को कैसे निकालें। आजकल आप देख रहे हो मास्क के बिना चालान कट जा रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे आपकी हो रहे हैं डीप लर्निंग के थ्रू, ये सब आपका OMR रीडर वगैरह कैसे काम करता है, ये सब के बारे में यहाँ पर। इमेज प्रोसेसिंग एक बेहतर टॉपिक है, आप डेली यूज़ करते हो पर कैसे काम करता है इसके बारे में आपको पता नहीं होता है, तो आपको ये भी इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। आगे बात करें मल्टीमीडिया की, तो यार देखो मल्टीमीडिया से तो आप परिचित हो ही, लेकिन आप जिस मल्टीमीडिया को समझ रहे हो ये वो मल्टीमीडिया नहीं है, इसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं आपकी, और जो आप सिलेबस इसका देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब कुछ और, कि आपका जो है बेसिक वीडियो और ऑडियो के बारे में, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट वगैरह के बारे में है। अच्छा टॉपिक है, आपको सबको सीखना चाहिए। आगे देखें अगर हम अपना अगला जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है भाई प्रोजेक्ट, और अगर आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी तो आप एक सॉफ्टवेयर तो बनाओ ही। तो सबसे यही रहता है, मैं यही कहता हूँ कि भाई देखो अगर आपने BCA करा तो अगर फाइनल ईयर में आप कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बनाए तो आपका सारा पढ़ना बेकार है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाए, चाहे वो मिनी प्रोजेक्ट हो चाहे मेजर प्रोजेक्ट हो, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए, उसका आप अच्छे से एनालिसिस करें और देखें क्या रियल लाइफ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छे खासे से बेच करके आप पैसे भी कमा सकते हो। तो कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं, और तो हम ये जो सिलेबस आपको बताए हैं ये सारे सिलेबस को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, सब कुछ हम लोग हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके लिए आपको एक सिर्फ एक काम करना है, आपको BCA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिख करके आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा हुआ, वहाँ पर कॉल कर लीजिए, ठीक। तो ऑफिशियल वेबसाइट भी है हमारी, वहाँ पे भी आप विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिस्पांस मिलेगा। तो आप कहीं से भी कांटेक्ट करिए और सारी चीज़ों को अपना लीजिए, सब कुछ सीख लीजिए, पढ़िए, समझिए। तो अभी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, उस कमेंट से हमको आपके लिए क्या बेहतर हम कर सकते हैं उसकी जानकारी हमको मिलती है। तो आई होप सबको ये जो मैंने सिलेबस का ओवरव्यू इतने कम समय में दिया है आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप जो है कमेंट करके बताएं, अगर मज़ा आया वीडियो देख के तो यार लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि देखिए कैसा सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।